Good morning students. Today we will discuss about some question answer of chapter first. Chapter first है हमारा crop production and management. इसके जो question answer है उनके बारे में हम discuss कर रहे हैं. कल short answer question discuss किए थे, आज long answer and define the following terms हैं उनको हम discuss करेंगे. Okay. तो जो हमारा question है वो है what is drip irrigation method? Why is it considered advantageous over other methods? कि जो ये जो ड्रिप इरिगेशन मेथड है वो क्या है और इसको क्या एडवांटेज है दूसरे मेथड के कंपैरिजन में. तो ड्रिप इरिगेशन मेथड, वाटर इज डिलीवर्ड ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट नियर द रूट ऑफ प्लांट्स थ्रू द नेटवर्क ऑफ पाइप. कहता है कि ड्रिप इरिगेशन मेथड में क्या होता है कि ड्रॉप वाइज ड्रॉप है वो डायरेक्टली वाटर कहाँ पर ट्रांसफर किया जाता है, जो प्लांट्स की रूट है उसके अंदर ट्रांसफर किया जाता है. ठीक है, या हम कह सकते हैं कि वाटर डायरेक्टली ट्रांसफर टू द रूट ऑफ द प्लांट्स, कि वाटर जो है वो प्लांट्स की रूट के अंदर डायरेक्टली ट्रांसफर किया जाता है. इसकी एडवांटेज क्या है? इसकी एडवांटेज यह है कि इट इज कंसिडर एडवांटेजियस ओवर अदर मेथड बिकॉज इट इज द मोस्ट इकोनॉमिकली मेथड ऑफ इरीगेशन. इकोनॉमिकली मोस्ट क्या है, इंपॉर्टेंट मेथड है ये. और इससे क्या होता है कि जो वाटर है, जहाँ पर वाटर डेफिशिएंट रीजन है, जहाँ पर वाटर की कमी है, वहाँ पर क्या होता है कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट या मोस्ट स्टेबल मेथड है. ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है क्वेश्चन हमारा डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स. फॉलोइंग टर्म्स को आपको डिफाइन करना है. ठीक है, फॉलोइंग टर्म्स में सबसे पहले क्या आता है, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप. हॉर्टिकल्चरल क्रॉप जैसे कि किसको कहते हैं बच्चों, की लार्ज स्केल पर हम जो फ्लावर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हम ग्रो करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर. कि लार्ज स्केल कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स फ्लावर फ्रूट्स डेकोरेटिव प्लांट्स इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स. कि लार्ज स्केल पर हम जो प्लांट्स ग्रो करते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, उसको हम क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चरल. ट्रांसप्लांटेशन, ट्रांसप्लांटेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द सीडलिंग फ्रॉम द सीड फ्रॉम द नर्सरी टू द मेन फील्ड इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन. कि ट्रांसप्लांटेशन में क्या होगा कि जो सीडलिंग है वो क्या होती है कि नर्सरी से मेन फील्ड में जब हम ट्रांसफर करेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसप्लांटेशन. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, ब्रॉडकास्टिंग. ब्रॉडकास्टिंग में क्या है, यह मेथड है, मेथड ऑफ सोइंग बाय स्कैटरिंग द सीड इन द फील्ड बाय हैंड. यह मेथड जिसमें सीड को हम क्या करते हैं, फील्ड के अंदर स्कैटर करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है क्या है, पीसीकल्चर है. सॉरी, नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो क्या है, पीसीकल्चर है. कि द प्रोडक्शन ऑफ फिश ऑन ए लार्ज स्केल बाय फार्मिंग फिश कल्चर इज कॉल्ड नर्सरी या नोन एज पीसीकल्चर. कि जहाँ पर फिश का प्रोडक्शन किया जाता है, लार्ज स्केल पर फिश पैदा की जाती है और जहाँ पर फिश को पाला जाता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, पीसीकल्चर बोलते हैं. ठीक है, सीरियल क्रॉप्स मीन्स जो अनाज देने वाली क्रॉप है. अब सीरियल क्रॉप्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे, कि सीरियल क्रॉप्स आर प्लांट्स ग्रो ऑन लार्ज एरिया फॉर दियर न्यूट्रिटिव सीड्स आर कॉल्ड ग्रेन्स. कि सीरियल क्रॉप्स क्या है, प्लांट्स हैं जो हम ग्रो करते हैं लार्ज एरिया में, किस वजह से, न्यूट्रिश सीड के लिए फॉर्म में, उसको हम क्या कहते हैं, सीरियल क्रॉप्स कहते हैं. जैसे कि राइस है, वीट है, मेज है, ये सभी क्या है बच्चों, सीरियल क्रॉप है. ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स हो गई. उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑर्गेनिक फार्मिंग. या ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द मेथड ऑफ फार्मिंग दैट प्राइमरीली एम्स टू कल्टीवेटिंग द लैंड्स एंड राइजिंग क्रॉप टू इको फ्रेंडली वे. कहता है कि यहाँ पर पहले तो जो हम फील्ड है उसको क्या किया जाता है, इस मेथड में क्या किया जाएगा, पहला तो एम क्या होगा कि लैंड्स को कल्टीवेटेड किया जाएगा, उसके बाद क्रॉप को जो यील्ड है वो बढ़ाई जाएगी. लेकिन कैसे बढ़ाई जाती है, इको फ्रेंडली वे से. कैसे बढ़ाई जाती है कि इसमें ऑर्गेनिक वेस्ट. अब ऑर्गेनिक वेस्ट में क्या आ जाता है बच्चों, जैसे कि क्रॉप और एनिमल्स या फार्म का जो वेस्ट होता है या एक्वेटिक वेस्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट. और इसके साथ साथ जो बायोलॉजिकल मटेरियल्स होते हैं उनको और जो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको रिलीज करते हैं. और इससे क्या होता है कि टू क्रॉप फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन. और इस वजह से क्या होता है कि जो क्रॉप का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होता है. मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, मीन्स नेचुरली जो वेस्ट होते हैं जो प्रिपेयर होते हैं उनको इस ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज किया जाता है.
यहाँ पर जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड है या हार्मोन है, उनका यूज नहीं किया जाता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में मींस जो नेचुरली प्रिपेयर होता है वेस्ट मटेरियल, ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे क्रॉप से या एनिमल वेस्ट से, वही यूज किया जाता है। कोई भी सिंथेटिक फर्टिलाइजर है या पेस्टिसाइड है या हार्मोन का यूज है वो नहीं किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो है, हाउ डज ए मैन्यूर डिफर फ्रॉम ए फर्टिलाइजर, कि जो मैन्यूर है वो फर्टिलाइजर से कैसे डिफर करता है। तो ये तो जो क्वेश्चन है बच्चों आप सिक्स क्लास से ही पढ़ने लग जाते हो। मैन्यूर जो होता है वो क्या होता है कि नेचुरली प्रिपेयर किया जाता है, और फर्टिलाइजर है वो कहाँ कैसे प्रिपेयर किया जाता है, केमिकल्स की हेल्प से फैक्ट्री में प्रिपेयर किया जाता है। आप ये जो क्वेश्चन है इसमें डिफरेंस पूछ लिया गया है। तो सबसे पहले क्या है कि फर्टिलाइजर इज ए इनऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट इज प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्री, कि जो फर्टिलाइजर है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है और कहाँ पर प्रिपेयर किया जाता है, फैक्ट्री में प्रिपेयर किया जाता है। ओके, मैन्यूर इज ए मिक्सर ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच इज ऑब्टेंड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट्स रेजिड्यू। जो मैन्यूर है वो क्या होता है, कहाँ पर प्रिपेयर किया जाता है, घर में ही प्रिपेयर किया जाता है। और किसका, ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों का मिक्सचर होता है। और किससे प्रिपेयर किया जाता है, कि जो एनिमल्स का वेस्ट होता है, हाउस में जो वेस्ट मटेरियल निकलता है हाउस घर से, जैसे कि वेजिटेबल्स पील्स हैं, ठीक है, फ्रूट्स पील्स हैं, काउ कैटल डंग है, ह्यूमन वेस्ट है, और प्लांट्स के जो रेजिड्यू है जैसे लीफ वगैरह है, ब्रांचेज, ठीक है, ब्रांचेज मीन्स लीफ जो टहनी टूट करके गिर जाती है, उन सभी से क्या किया जाता है, मैन्यूर है वो प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा फर्टिलाइजर प्रोवाइड ए स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स टू द सोयल, कि जो फर्टिलाइजर है वो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है सोयल को। जैसे कि कैसे, कि हम डालते हैं, आपने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स है कि यूरिया लेके आ रहे हैं, ऐसे कहते हैं ना, यूरिया लेके आए हैं, अभी अभी क्या है, फॉस्फेट लेके आए हैं, ठीक है, जिंक लेके आए हैं। इट मींस वो एक स्पेसिफिक है, उससे मींस जब सोयल के अंदर हम डालते हैं तो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट ही मिलता है। लेकिन जो मैन्यूर होता है उसमें क्या होता है कि मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स इन द सोयल, कि एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स सोयल को प्रोवाइड करता है। एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स सोयल को क्यों प्रोवाइड करता है, क्योंकि जो मैन्यूर है उसमें क्या है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक भी होता है और इनऑर्गेनिक भी होता है। और इस वजह से क्या होता है कि ये जो एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स है वो सोयल को प्रोवाइड करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि फर्टिलाइजर हैज ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोयल न्यूट्रिएंट्स और मैन्यूर हैव लो कंसंट्रेशन ऑफ सोयल न्यूट्रिएंट्स। जो फर्टिलाइजर होते हैं वो केमिकल्स की हेल्प से फैक्ट्री में प्रिपेयर किए जाते हैं, तो इस वजह से कहता है कि ये सोयल इनमें के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स की कंसंट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है। इट मींस वो सोयल को ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे ज़्यादा अमाउंट में, जबकि जो मैन्यूर्स होते हैं उनके अंदर क्या होती है, लो कंसंट्रेशन ऑफ सोयल न्यूट्रिएंट्स की, सोयल्स की क्या आती है, लो कंसंट्रेशन सोयल्स के न्यूट्रिएंट्स, सोयल्स के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने हैं उनकी कंसंट्रेशन है वो क्या होती है, लो होती है, ठीक है। तो ये क्या था बच्चों, मैन्यूर और फर्टिलाइजर में डिफरेंस था, ठीक है। तो आज जो आपका वर्क है उसमें आपको जो ये क्वेश्चन आंसर है इनको आप अपनी फेयर नोटबुक में लिखेंगे, और इनको आप लिखने के साथ साथ इनको आप याद भी करेंगे, ठीक है बच्चों। धन्यवाद बच्चों।